नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत प्रथमे हेडलाइंस। नंदीग्राम महालढ़े शुभेंदु अमित शाह प्रचार कहले 200 रु अधिक सीट जितिबो बीजेपी धर्मेन्द्र बयान केवल तुष्टिकरण राजनीति करुछंती दीदी। भांगीगला कि ट्विन सिटी मेट्रो स्वप्न विधानसभा मंत्री कहले 2041 सुधा राजधानी में मेट्रो चलिबा संभव नुहे 2014 रे होइतिबा सर्वे अनुजाई नाही फिजिबिलिटी। गृह में उठिला सर्वेश्वर बेउरा आक्रमण प्रसंग धर्मशाला विधायकों विरोधी दल नेता टार्गेट कहले दुर्नीति विरोध में मुह खोलिबारुगला बोमामार। विधानसभा प्रश्नकाल में प्रताप सौम्य मुहामुहि जल प्रकल्प में बाहर ठिकादार को काम देवाक नहीं उद्वेग मंत्री उत्तर को नहीं प्रश्न उठाइले सौम्य। हेलमेट चेकिंग आड़े प्रसूति को 3 किलोमीटर चलाइवा घटना सर थाना दुई कनेस्टबल को बदली कले मयूरभंज एसपी दायित्व में अवहेला कारण कार्यानुष्ठान। राज्य में आज 218 नुआ कोरोना पॉजिटिव बरगड़ सर्वाधिक 34 आक्रांत सेपटे 12 संक्रमित चिन्हट पर राजधानी में बालाजी अपार्टमेंट माइक्रो कंटेनमेंट घोषणा। परीक्षा घुंचाइबा नहीं उत्तेजना राउरकेला यूजीआई इंजीनियरिंग छात्र छात्री रास्ता अवरोध बोस से टायर जाली पिला आंदोलन सेपटे पॉजिटिव चिन्हट पर हॉस्टल छाड़ुछंती एनआईटी छात्र छात्री। शेषे गां दंडे बर्बर कांड महिला घोषाड़ी घोषाड़ी माड़ द्वितीय बहुत करूवर ग्रामवासी आक्रोश कोरापुट टू कोटिया आसला अमानवीय दृश्य। एथर संपूर्ण खबर किए पिंधिब नंदीग्रामर विजय मुकुट निर्वाचन तारीख जिते पखे आसुची राजनीतिक हावा सेते सरगरम होबारे लगी। आसंता 1 तारिख में हेबो पश्चिमबंगे विधानसभा निर्वाचन द्वितीय पर्याय मतदान एथिपाई आज होउची प्रचार शेष दिन अंतिम दिन सरगरम रही प्रचार मैदान। बीजेपी प्रार्थी शुभेंदु अधिकारी प्रचार करुछंती गृहमंत्री अमित शाह एथिरे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती रोड शो में सामिल होती। पश्चिमबंग नंदीग्राम रे महालढ़े प्रचार मैदान रे अमित शाह केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और ममता बानर्जी सेपटे ममता को उपरे बर्षिछंति धर्मेन्द्र से कहिछंति ममता केवल तुष्टिकरण रो राजनीति करुछंति। जय श्रीराम कहिबा ममता को गाली भली लागुछि। नंदीग्राम निर्वाचन रे जनता तांकु उत्तर देबे बीजेपी सरकार करिले विकास रोजगार महिला सुरक्षा देबो। गतकाली मध्ये टीएमसी रो कर्मकर्ता नारे दुष्कर्म अभियोग आसिछि। एहा पूर्वरो जणे बीजेपी कर्मकर्ता मां शोभाजी को पिटी पिटी मारी दिगला ए सबू कारण एथर बीजेपी बड़ विजय आड़ बढ़ुवा धर्मेन्द्र प्रधान। सेपटे अर्गस को एक्सक्लूसिव प्रतिक्रिया रखिछंती नंदीग्राम रो बीजेपी प्रार्थी शुभेंदु अधिकारी से कहिछंती पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानर्जी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपमान करिछंती। हाँ आम देखु ये बिग फाइट हो राजनीतिक माहौल पूरा सरगरम अच्छे नंदीग्राम बीजेपी सब बड़ प्रसंग कौन हो विकास एठिकार लोक मानकर चाकरी महिला मानकर सुरक्षा गत काली राति भी गोटे परिवार को टीएमसी रो गुंडा माने रेप करा है बड़ प्रसंग। शोभा जी नामक जड़े वयस्क महिला भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पिटिकी मारी दिगला एगुड़िक ही प्रसंग विकास एटिकार मूल प्रसंग नंदीग्राम तार मुख्य केन्द्रबिंदु जो भोट ये शुभेंदु अधिकारी पाई गत निर्वाचन में पूर्व टीएमसी रही दबदबा रही है एवं आप भावुं से ही भोट पुणी बीजेपी खाता को आसपार जो 134,000 भोट देखो बंगाल में बहुत बड़ परिवर्तन हाँपी जा 2014 लोकसभा निर्वाचन में बंगाल में बीजेपी को 17% भोट मिलता दुईट लोकसभा सीट मिलता 19 आसु आसु ये संख्या बढ़ी कि 40% भोट आउ 18 लोकसभा तापर अनेक बंधु शुभेंदु बाबू को भले अनेक टाणुआ नेता राजीव बानर्जी को भले अनेक टाणुआ नेता बीजेपी योगदान करछंती। टीएमसी हारिबो भारतीय जनता पार्टी
50% रु अधिका भोट पाइब बड़ विजय को बीजेपी मुहौच सारा देश नजर बर्तमान नंदीग्राम उपर अच्छी ये जेहतु ममता बानाजी और अति घनिष्ठ दिन थी शुभेंदु अधिकारी भितर लड़े होती कथ हूँ नंदीग्राम जो शिल्पायन कथ अच्छी निजुक्ति कथ अच्छी यू निर्वाचन संख्यालघु अच्छी आपं दल अभोग कर संख्यालघु तुष्टिकरण ममता बानाजी अधिक गुरुत्व दौरान से सब प्रसंग हो पारे कि निर्वाचन नहीं आम अभोग करूनु ममता बानाजी को जय श्रीराम नाराटा गाड़ी लगुच से इमाम मानू भत्ता दौंट मंदिर पूजक मानू भत्ता दौना ये गुड़िकला मूल प्रसंग सीए माइनोरीटी बाद को ये बढ़ई स्वाभाविक तार अपर पक्ष प्रतिक्रिया हूँ भारतीय जनता पार्टी पक्ष लोक मैंने मोटा मोटी भाव में आज जो रोड शो अच्छी किलोमीटर ये अमित शाह रोड शो करेंगे ममता बानाजी रोड शो करते ह्विल चेयर बसिक आम प्रतिक्रिया नौ लोक लोक मैंने कहते ममता बानाजी जो कर सब नाटक लोक कहते ये लोक मत जो बिरुली अंचल तथाकथित सी घटना है कहले दुर्घटना है कहले से गाँव को मुझे सी अंचल लोक भेटी थी लोक गाड़ी दौरान नापसंद करमें आम अंचल को बिरुली नंदीग्राम अंचल को अपमानित कर लोक कष्ट अच्छा लोक एथर इलेक्शन उत्तर देवे 130 जन बीजेपी कर्मी देहांत हो राजनीतिक हिंसा आम गत देखु शुभेंदु अधिकारी रोड शो अटकला ये सब कहीं आक्रोश कहीं बानाजी जो असहिष्णु नेत्री प्रजातंत्र विश्वास नहीं लोक नापसंद करने जो सी विरोध कर पाद तलु माटी खसीगला से व्यतिग्रस्त हो गले से प्रकार गाड़ी गुलज उत्तेजना हिंसा डर भय तैयारी कर सबसे बड़े मुद्दा है एक तो विकास बेरोजगार नौजवान की काम और तीसरा है तुष्टिकरण की ममता बनर्जी जो तुष्टिकरण कर रहा है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ जो मुस्लिम वोट है ये वोट किसके तरफ जाएगा जो मुस्लिम वोट नहीं बोलेगा मैं क्यों अच्छा दूसरा बात है जो ममता दीदी कह रहे हैं कि टू मच ग्रीड इज नॉट गुड ये टू मच ग्रीड ये ज़्यादातर ज़्यादा लोभ ये अच्छा नहीं है ये आपको कहा जाता है ममता दीदी कह रहे हैं उसकी कोई बात की टिप्पणी नहीं जो आप शब्द कहता है भारत के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ममता बनर्जी ये कह रहे हैं काल के ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आप शब्द यूज कर रहे हैं उसकी बात उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है जो राजनीति का हिंसा हो रहा है वो तो वो करा रहा है वो जो तुष्टिकरण करके जिसको बनाया है जो पाकिस्तान क्रिकेट खेला में जीतने के बाद बम फटाता पटाखा फटाता है वंदे मातरम बोलने के लिए जिसको दिक्कत आता है जो लोग इधर दुर्गा पूजा रोक दिया था सरस्वती पूजा रोक दिया था वो लोग का काम वर्तमान सीधासलख जा तमिलनाडु को तमिलनाडु निर्वाचन सभा में जोगद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधासलख नजर पकड़ संबोधन उपरे अच्छा परवर्त खबर को विधानसभा उठिला सूचना अधिकार कर्मी सर्वेश्वर बेहरा आक्रमण प्रसंग धर्मशाला विधायक प्रणव बलवंत राय को विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक टार्गेट करछन्ति से कहिछन्ति दुर्नीति विरोध में स्वर उठाइबा कौन भूल डंकारी पहाड़ पीडीएस चाउल दुर्नीति इंदिरा आवास मामू भणजा घाई प्रसंग ए सबु दुर्नीति विरोध में सर्वेश्वर मुह खोलीथिले सेथिपाई तंकु आक्रमण करागला बोली कहि धर्मशाला विधायक टार्गेट करछन्ति सर्वेश्वर बेहुरा जे बड़ जन आप धर्मशाला अंचल कथाटा को आरटीआई एक्टिविस्ट से तांकु बोमामाड़ करागला तांको स्त्री सर्वेश्वर बेहुरा स्त्री निर्वाचित प्रतिनिधि विधायक नाँ से सीधा सलख एतला दे ये मोर स्वामी को आक्रमण करई आपण डंकारी पहाड़ जे माटी मिसई देला नाँ से 59 कोटी टंका रिकवरी करने हाईकोर्ट निर्देश देते सुधा आज पर्यंत कलेक्टर तार विरोध में कार्यानुषान ग्रहण करूना मामू भणजा घाई को तुम्हें निजे दुईज मिसिकी फटेच बोली डायरेक्ट से कही कारण मारिवार निर्वाचित प्रतिनिधि एवं ऑफिसर माने जो मान विरुद्ध जे आरटीआई खुलासा कर प्रधानमंत्री आवास योजन लोकायत निर्देश दे सत्वे आज पर्यंत कलेक्टर किसी कार्यकारी करूना क्या प्रेसर में करूना किए ये कथा सब दबाई तेणु ये सरकारी कल चलुची बोली मुझे अनुभव करूना विजु जनता दल प्रेसर में सब जगार चलुच वर्तमान पुणि थे सीधा सड़क जावा तमिलनाडु को एवं
निर्वाचन सभा मोदी अभिभाषण उपर नजर पकड़ा दिस टू जी मिसाइल हैज वन क्लियर टारगेट द विमेन ऑफ तमिलनाडु अ फ्यू डेज बैक दिस मिसाइल वॉज लॉन्च बाय यूपीए विथ ए क्लियर ऑर्डर अटैक द नारी शक्ति ऑफ तमिलनाडु टुडे आई एम इन धारापुरम आई एम इन ए लैंड हुज प्राउड सन्स एंड डॉटर्स नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर आइडियल्स एंड फॉट अगेंस्ट इनजस्टिस फ्रॉम हियर आई वॉन्ट टू टेल कांग्रेस एंड डीएमके प्लीज कंट्रोल योर पार्टी लीडर्स I want to tell the Congress and DMK, the people of Tamil Nadu are noting everything. They will never tolerate insult to the women of the state. Today, Congress and DMK have insulted the respected mother of Tamil Nadu Chief Minister. God forbid, if they come to power, they will insult many other women of Tamil Nadu. நண்பர்களே, ஒருபுறம் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வளர்ச்சிக்கான திட்டத்தை உங்கள் முன்பாக வைக்கிறது. இன்னொருபுறம் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி அவர்களுடைய குடும்ப வாரிசு அரசியல் திட்டத்தை உங்கள் முன்பாக வைத்திருக்கிறது. அந்த கட்சியில் கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களுடைய பேச்சிலே அவர்களுக்கென்று இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல் திட்டமோ மக்களுக்கு நேர்மறையாக கொடுக்கக்கூடிய செய்திகளோ இல்லை. அவைகள் எல்லாமே அடுத்தவர்களை அவமானப்படுத்துகின்ற அல்லது பொய் கூறுகின்ற செய்திகளாகவே இருந்து வருகின்றது. இப்போது காங்கிரஸ் மற்றும் திமுக புதிதாக ஒரு ஏவுகணையை தாக்குதலை துவங்கியிருக்கிறது. அந்த 2G மிசைல் 2G ஏவுகணை என்பது ஒரே ஒரு நோக்கத்திற்காக ஏவப்பட்டிருக்கிறது. அது தமிழகத்தினுடைய பெண்களை இழிவுபடுத்துவதற்காக ஏவப்பட்ட ஏவுகணையாக இருக்கிறது. சிறிது நாட்களுக்கு முன்பாக ஐக்கிய கூட்டணி அந்த கட்சிகளுடைய தலைவர்கள் அந்த ஏவுகணையினுடைய ஒரே நோக்கமாக நம்முடைய தமிழகத்தினுடைய பெண்கள் சக்தியை இழிவுபடுத்துகின்ற அந்த நோக்கத்தை ஏவுகணையாக வைத்திருக்கிறார்கள். நான் இன்று தாராபுரத்தில் இருக்கிறேன். இந்த தாராபுரத்தினுடைய ஆண்களும் பெண்களும் மகளும் மகனுமான இந்த பகுதியிலே நீங்கள் ஒருபோதும் உங்களுடைய லட்சியத்தை சமரசம் செய்து கொண்டதில்லை. எப்போதும் அநீதிக்கு எதிராகவே நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள், போராடிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். நான் இந்த மேடையிலிருந்து சொல்கிறேன், காங்கிரசிற்கும் திமுகவிற்கும் உங்களுடைய தலைவர்களை கட்டுப்படுத்துங்கள். अच्छा परवर्ती खबर को भुवनेश्वर कटक मेट्रो स्वप्न को झटका 2041 भितर भुवनेश्वर कटक मध्य मेट्रो ट्रेन स्वप्न विधानसभा प्रश्न उत्तर काल में गृह सूचना दी नगर उन्नयन मंत्री प्रताप जेना ए संपर्कित प्रश्नर उत्तर में मंत्री कहते भुवनेश्वर कटक मेट्रो ट्रेन चलने राज्य सरकार कौन प्रस्ताव ना भुवनेश्वर कटक मेट्रो ट्रेन चलने भारत सरकार और राज्य सरकार मिलित उद्यम एक सर्वे करा जो थी कि 2041 पर्यंत ट्विन सिटी मेट्रो रेल गढ़ी पार्वनी सर्वे रिपोर्ट जमापड़ी जनसंख्या आधार में सर्वे अनुजाई फिजिबिलिटी नथिबारु एहाको आगको बढ़ा जाई पारुनी बोली मंत्री कहिछन्ते तबे सदस्यों दाबी परे पुणि थरे सर्वे पई केन्द्र पाखरे दाबी हेबो एथिरे कटकरु चंडीखोल भुवनेश्वर पुरी पर्यंत एहाको संप्रसारण प्रस्ताव रहिबो बोली मंत्री सूचना दैछन्ते मिसेस बालाजी रेल रोड सिस्टम लिमिटेड बार्सिल बोली कंपनी से माने गोटे दोहा
बोली गोटे कंपानी साउथ कोरिया रो ता संगरे मिसिकी से माने टेंडर पार्टिसिपेट करथिले एवं आमे तांकू सर्वे करिया पई देथिलु। प्रथम पर्याय जते बेले सर्वे हला कटक भुवनेश्वर भितर जते बेले फिजिबिलिटी आसिला नाही तेंकरी फिजिबिलिटी नाही बोली तार गोटे रिपोर्ट देले एवं तार रिपोर्ट से माने देई सारी चंती एवं तांकू आमे जो पेमेंट करिया कथा कुहा होची आमे मात्र 52 लाख रुपीस पेमेंट करिछु। आउ जेहेतु मेट्रो रेल लो सर्वे रे फिजिबिलिटी आसिला नाही एवं सेमान भी देइचंती कि 1941 पर्यंत भी फिजिबिलिटी हबनी तेणु करी परवर्ती समय रे आमे मेट्रो रेल चलेया पई कोनोसी पदक्षेप ग्रहण कलु नाही। विधानसभा प्रश्नकाल में मुहांमुही मंत्री प्रताप जेना और बीजेडी विधायक सौम्यरंजन पटनायक मेगा पानीय जल प्रकल्प में बाहर ठिकादार को काम देवा नहीं असंतोष प्रकाश कले सौम्य कहले एभली मापदंड निर्धारित होउथिरे स्थानीय ठिकादार मानंकु मेगा पानीय जल प्रकल्प में ठिकादारी काम करिबारो सुजोग मिलुनाही। से आहुरी कहिसेंती जदि मेगा प्रकल्प माध्यम रे चारोटी पर्याय रे घर को जल जोगाण हेउछि बोली मंत्री प्रताप जेना कहउछंती ताहाले काहे के गोटिए पर्याय रे भी ओडिया लोक काम पाउनाहंती। शेषरे मंत्री को उत्तर थिला 2074 सिंगल प्रकल्प रे ओडिसा ठिकादार काम करउछंती 50 कोटी टंका भितरे जेउ काम हेउछि ताहा ओडिसा ठिकादार माने करउछंती। सेपटे सीबीसी रो गाइडलाइन अनुसार 50 कोटी टंका उपर को थिबा प्रकल्प को जेउ संस्था योग्य हला से पाइबो जेउथिरे बाहर संस्था मध्य काम करउछंती। जाजपुर ग्राम्य पानीय जल जोगाण और परिमल खंड चंडीखोल उपखंड अंतर्गत बड़चणा ब्लक सहित धर्मशाला ब्लक 351.44 कोटी टंकार एक बृहत पाइप जल जोगाण प्रकल्प कार्य 17/12/2019 रु आरंभ होईछि ओ आसंता 17/12/2021 सुधा संपूर्ण करियाकु लक्ष्य रखा जाइछि। यार सविशेष बरणी परिशिष्ट करे संलग्न करागला चलित वर्ष डिसेंबर मासरे उक्त प्रकल्प कार्य संपूर्ण हेबापाई कार्य चालूअछि मात्र COVID-19 पई सरकार तरफ लॉकडाउन शटडाउन समय श्रमिक मानकर संख्या आवश्यक उपकरण यथा समय न मिलवा हेतु कार्यर त्वरान्वित बाधाप्राप्त होगा कारण कार्य मंथर गति में चलुअ वर्तमान यही कार्य यथाशीघ्र संपूर्ण करा पदक्षेप नि केवल एक व्यक्तिगत अनुभूति आपण मध्यम सब हाउस लोक कह चाहे ओडिशार गर्व और गौरव थिला जिते जहाँ कहले पाइप बिछेवा कार्य मुझे बिलातेरे पाठ पढ़ुली मो घर जिते पाइप खराब होता मुझे येलो पेज रु फोन करते डकिली जे मो पाइप ठीक मिस्त्री को डाक दिव बोली हटात जड़े भद्र व्यक्ति आसिले मत जना पड़ा ये आम भारतीय भारतीय बोली जिते पचारे आपड़ कौटू आसे कहले मु पट्टामुंडे आसी मोर ना अरुण परिडा विश्वर एभली कौनसी राज्य ना कौनसी देश ना जो अंचल पाइप बिछेवा कार्यटी ओडिया ठेकादार माने ओडिया मिस्त्री माने कारीगर माने केन्द्रापड़ा जिले जाई करी नांती आज आम अंचल निजे निजर भितर पाइप बिछेवा को चाहूँ जे आम ठेकादार माने ए कार्य पाइबा योग्य बिवेचित होना कहीं ना ए संपर्क एक अनावश्यक नंदीग्राम रो रोड शो परे वर्तमान गृहमंत्री अमित शाह गणमाध्यम को प्रतिक्रिया रखिछंती एवं तांको पाखरे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं जे रहिछंती नंदीग्राम रो प्रार्थी शुभेंदु अधिकारी मध्ये उपस्थित अछंती। बस अब भाई शांति कर दो पीछे शांति शांति करो थोड़ा पीछे ए हीरो कोई फोन कर रहा है पीछे राजेश उसको बंद कराओ बंद कराओ आज दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन नंदीग्राम विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और यहाँ के प्रत्याशी श्री शुभेंदु अधिकारी का प्रचार करने के लिए मैं यहाँ आया था। उसके बाद में कार्यालय में यहाँ के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ा बातचीत
और उनके पास से यहाँ की स्थिति का जायजा भी लिया। जो अभूतपूर्व उत्साह रोड शो में नंदीग्राम की जनता ने दिखाया है, इससे सुनिश्चित है कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ नंदीग्राम की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतने जा रहे हैं। नंदीग्राम की जनता से जो अलब जलब बात मंदिर, एक ठीगा काटने वाली माई की दुकान पर और कुछ कार्यकर्ताओं से हुई, सबका एक मूड है कि परिवर्तन तो पूरे बंगाल में करना है, मगर पूरे बंगाल में परिवर्तन करने का एक सरल रास्ता है, नंदीग्राम में ममता दीदी को हरा दो। नंदीग्राम में ममता दीदी को हराने से पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। और ये जो माहौल है पूरे बंगाल का, नंदीग्राम जी उससे अछूता नहीं है। और आज मैं जब यहां आया तब एक दुखद समाचार भी मिला, जहां ममता दीदी रात को निवास करती है उसे एक किलोमीटर के दायरे के, पांच किलोमीटर के दायरे के अंदर ही एक महिला पर बलात्कार हुआ। अब महिला सुरक्षा की बात करने वाली ममता दीदी को मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि बलात्कार करने वाले आपके निवास से पांच किलोमीटर दूर आपकी उपस्थिति में जब आप नंदीग्राम में हो तब बलात्कार करते हैं तो बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा? कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की एक वृद्ध मां को पीट पीट कर मारा जाता है, कल उनकी भी मदमुदार माई की कल मृत्यु हो गई। और ममता दीदी स्वयं महिला सुरक्षा की बात करती, एक कॉन्ट्राडिक्शन को बंगाल की जनता भली भांति जानती है। पूरा बंगाल घुसपैठ नहीं चाहता है, पूरा बंगाल चाहता है कि सीएए के माध्यम से शरणार्थियों को नागरिकता मिले, पूरा बंगाल चाहता है कि यहां पर उद्योग लगे, विकास हो, यहां के बच्चों को रोजगारी मिले, पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से हो, विश्व स्तरीय हो, बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय हो, कलकत्ता एक विश्व स्तरीय शहर बने और फिर से एक बार बंगाल की संस्कृति का बोलबाला पूरे देश भर में, दुनिया भर में हो। एक दृष्टि से सोनार बांग्ला का स्वप्न जो महर्षि अरविंद और गुरुवर टागोर ने देखा था वो मोदी जी के नेतृत्व में ही साकार हो सकता है। पूरे बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए अपने वोट देने की बारी का इंतजार कर रही है, नंदीग्राम में भी मैंने यही देखा है। मैं आज नंदीग्राम की जनता को भी अपील करना चाहता हूं कि आपको सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को जिताना नहीं, ये तो जिताओगी मुझे भरोसा है, परंतु इतने प्रचंड मार्जिन से जिताना है जिससे आने वाले दिनों में जनता को दिए हुए वादों से मुकरना किसी भी राजनेता के लिए नामुमकिन हो जाए। मां मानुष माटी का नारा जो था, इससे जिस प्रकार का द्रोह किया गया है, ऐसा द्रोह करने की लंबे समय तक कोई हिम्मत न करे, इतने प्रचंड मार्जिन से श्री शुभेंदु अधिकारी को जिताइए, ऐसी अपील कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। आशा परवर्ती खबर को ओडिशा रे कोरोना ग्राफ धीरे धीरे ऊपर मुहा हेउछे। राज्य रे आज पुणी 218 नुआ पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ती। आक्रांत को मध्यरो क्वारंटाइन रो 129 लोकल केस 99 रहिछि। बरगढ़ जिला रो सर्वाधिक 34 जण आक्रांत चिन्हट होइछन्ती। यहा छोडा नुआपडा रो 29, सुंदरगढ़ रो 26 और खोर्धा रो 25 कोरोना आक्रांत चिन्हट होइछन्ती। सेपरि कटक रो 16, कलाहांडी रो 13 और अनुगुल रो 12 जण चिन्हट होइछन्ती। राज्य रे मोट आक्रांत को संख्या 340,620 को वृद्धि पाइछि। एक्टिव केस 1837 रहितबा बेले 336,809 जण सुस्थ होइछन्ती।
लगातार षष्ठ दिन में भी देश में 50,000 ऊपर संक्रमित चिन्हट होती 24 घंटे में भारत में 56,119 पॉजिटिव केस सामना को आसी कोरोना नहीं 266 जीवन महाराष्ट्र में पुणी सर्वाधिक 31,643 पॉजिटिव चिन्हट होती पंजाब में 2,868 और तमिलनाडु 2,279 पॉजिटिव केस आसी कर्नाटक में 2,792 गुजरात में 2,251 संक्रमित चिन्हट होती समय सर बुलेटिन को रखु नमस्कार।